और राजधानी रायपुर से ही खबर मिल रही है जहां पर छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले एक अगर बात की जाए 24 घंटों में तो 2419 नए मरीज मिलेंगे। दुर्ग में सबसे ज्यादा 913 कोरोना संक्रमित मिले हैं और रायपुर में 550 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 13,318 हो गई है और संक्रमित 15 मरीजों की इलाज के दौरान मौत भी हुई है और अब तक 4,026 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। और संवाददाता रवि मिरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में ही कई राज्य जैसे हैं जहां पर कोरोना का कहर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और वैक्सीन भी आ चुकी है लेकिन कोरोना से राहत की उम्मीद मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, चिंता का विषय बना हुआ है। और देश में छत्तीसगढ़ की स्थिति की बात करें तो लगातार जो संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, मौत का मामला बढ़ रहा है, इसमें भारत टॉप 6 में आ चुका है। और लगातार देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ के ऐसे दो जिले हैं जहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और टॉप 20 जो संक्रमित शहर है उसमें भी दुर्ग और रायपुर शामिल हो गए हैं। तो लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना के दूसरे वेव में सर्वाधिक हॉटस्पॉट का जो जिला बना है वो रायपुर और दुर्ग है। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक संक्रमितों की संख्या की बात करें तो दुर्ग जिला है जहां पे एक्टिव मरीजों की संख्या अब 5,000 के करीब पहुंच गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान 2419 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें से 913 संक्रमित मरीज सिर्फ दुर्ग जिले से मिले हैं। और इसके अलावा राजधानी रायपुर की बात करें तो 550 संक्रमित मरीज राजधानी रायपुर से मिले हैं और 550 के बाद रायपुर में अब एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो करीब 4,000 के करीब पहुंच चुकी है। तो निश्चित रूप से ये सिर्फ दो जिले यही है जहां पे कुल 9,000 करीब कोरोना संक्रमित मरीज हैं। प्रदेश में टोटल 13,000 एक्टिव मरीजों की संख्या है, जिसमें से 9,000 कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो सिर्फ दो जिलों में है, दुर्ग और रायपुर में। तो निश्चित रूप से यहाँ पे संक्रमितों के साथ साथ चिंता का विषय यह भी है कि मौत का भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 3 दिनों की ही बात करें तो 50 से अधिक लोगों की यहाँ पर कोरोना से मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 14 कोरोना संक्रमित मरीजों की यहाँ पर मौत हुई, जो कई अन्य बीमारियों के चपेट में भी थे। और कल की बात करें तो कल जिस प्रकार से 28 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई थी तो उसकी तुलना में आज संख्या आधी हो गई है। आज सिर्फ 14 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते ही जा रहा है। हम पूरे मार्च महीने की ही बात कर रहे थे तो मार्च महीने में 180 से अधिक लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो निश्चित रूप से यह चिंता का विषय बना हुआ है। और छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है 13,000 पार कर चुकी है और कुल संक्रमितों की जो संख्या है उसकी बात करें तो 3,32,000 से अधिक यहां पर कुल संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से अभी वर्तमान जी बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जो है वो लगातार जारी है और पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 2,419 नए मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग में सबसे ज्यादा 913 संक्रमित मरीज मिले हैं।